हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना रजक वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारी ये सोनी एलसीडी टीवी, जिसकी मॉडल नंबर है 32BX350। ये आए हम लोग देख लें ये क्या पोजीशन में है, और ये शायद फिफ्थ टाइम मैंने फाइव टाइम ब्लिंकिंग है, जो कि सोनी में आती है 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम और 5th एंड 6th टाइम। ये ब्लिंकिंग जो आती है, तो फिफ्थ टाइम ब्लिंकिंग कहाँ से होती है और किस सेक्शन से होती है, और इसकी शॉर्ट आउट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जान ले इसको। ये हमने इसमें लाइन देकर रखा हूँ, शायद आप देख रही है कि ये एलईडी हमारी जल रही है, जो स्टैंड बाय एलईडी होती है। और मैं यहाँ से पावर को ऑन किया, और ऑन करने के बाद आप देख रहे हो ये ग्रीन लाइट जली। ग्रीन लाइट जलने के बाद एक बार ब्लिंक होकर फिर ग्रीन जली, ये ऐसा ही सिस्टम इसकी होती है। और यहाँ पर देखिए आप, इसकी बैक लाइट जली। बैक लाइट जलने के बाद पिक्चर नहीं आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये कितनी बार हो रही है, देखिए 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये 5 बार करके कुछ देर के लिए रुक जा रही है, यानी इसका काउंट करने का सिस्टम यही है। ये जब शुरू होगी तो हर एक सेकेंड में एक काउंट करेगी, और काउंट करने के बाद कुछ सेकेंड के लिए ये रुक जाएगी, यानी फिर दोबारा ये चालू होगी। तो ऐसे ही हम लोग ब्लिंकिंग को मतलब काउंट करते हैं। आप फिर से देख सकते हो कि ये 5 बार काउंट होकर ये स्टेबल हो जा रही है, यानी रुक जा रही है कुछ सेकेंडों के लिए। कुछ सेकेंड के बाद फिर ये दोबारा हो रही है। तो हम लोग इसको जान ले, आइए आगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, एक मैसेज है, मुन्ना एलसीडी एलईडी आप देख रहे हो, ये न्यू बैच स्टार्ट इन मुंबई। ये मुंबई में हमारी 4 दिन की क्लास होगी, जो 4 डे क्लास होती है, और ये 7/5/19 से लेकर 10/5/19 तक होगी, जो कि ये 15 मेंबर के लिए है। तो ये सीट आप चाहो तो इसमें बुक कर सकते हो, जो कि इसकी फ़ोन नंबर है 9867974249। मिस्टर अशोक धानु है इनकी ये सीट बुक करने के लिए, और इसमें लगभग आधी से ज़्यादा सीट बुक हो चुकी है, जो कि अगले महीने 7 तारीख को है। तो आप अगर अपडेट होना चाहते हो या हमारी ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हो, तो आप जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल करके, आप चाहो तो इस पर बुक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और बांग्लादेश से जुड़ने हमें अपनादेरके जानाई, अपनी यदि ये वीडियो देखें तो अपनी यदि किचु इच्छुक थकें जाना जुड़ने व ट्रेनिंगे विषय, तो प्लीज़ अपनी बांग्लादेश से कॉल मिस्टर अनवर हुसैन के करूँ। मिस्टर अनवर हुसैन ये नंबर अपनी डिस्प्ले ते देखते पाचन 0161534355। एबार आसुन हमारा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी, आइए हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी पावर सप्लाई है, ये हमारी मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड देख रहे हो आप, और ये हमारी एक एलईडी इन्वर्टर बोर्ड एलसीडी इन्वर्टर बोर्ड है, जो कि एक स्टील की प्लेट से ढकी हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं लाइव बनाता हूँ, और ये वीडियो से मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, और ना एडिटिंग करता हूँ ना कट करता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये अभी रिफ्रेश मतलब फ्रेश ही है, कोई इससे छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 5 बिलिंक है, 5 बिलिंक जो आती है SCL HDL, यानी ID की प्रॉब्लम होती है। ये ID दो तरह से होती है, SCL HDL ना मिलने से होती है, और हमारी VGH या AVDD या VDD जो जिसको 3.3 वोल्ट कहते हैं। तो ये इसमें एक कैपेसिटर लगी हुई रहती है, जो ग्राउंड के साथ उसकी संपर्क होती है, जो फिल्टर करती है। वो शॉर्ट हो जाने से भी ये कभी कभी 5 टाइम में यानी 5th टाइम ब्लिंकिंग को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये कहाँ से हो रही है, अब हमको इसको पैनल खोलना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसकी पैनल को ओपन करें। देखिए दोस्तों, ये हमने पैनल को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद फिर हम लोग एक बार देख लें कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लाइट, एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारी रेड लाइट जो है ये जल रही है। आपको यहाँ थोड़ा कैमरा को और थोड़ी दूर ले जाओ, देखो सही से दिखना चाहिए इन लोग को। ये रेड लाइट जल रही है। अब मैं यहाँ मैन्युअली से पावर को ऑन किया, और करने के बाद देखिए कि यहाँ पर ये जो रेड लाइट है ये बंद हो गई। बंद होने के बाद ये यहाँ पर ग्रीन जली,
यहाँ पर देखिए एक ग्रीन जल रही है, आप देख सकते हो एक ग्रीन जल रही है और ये बैक लाइट हमारी ऑन हुई। ये देख यहाँ पर बैक लाइट, लेकिन बैक लाइट ऑन होते ही ये देख रहे हो आप, ये फिफ्थ टाइम ब्लिक मार रही है, यानी ये पांच बार हो रही है। आप सही से देखो, 1 2 3 4 5, ये पांच टाइम को ब्लिंक कर रही है। तो हम लोग यहाँ पर आओ, यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर लो, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है। तो ये हमारी जो है ना सोर्स पीसीबी बोल सकते हो या स्केलर पीसीबी, जो प्रॉब्लम है इसमें है, या ये हमारी जो एलबीडीएस केबिल है ना, एफएफसी केबिल, इसमें भी कुछ सल्फर होने से हो सकती है। तो आप पहले इसको सल्फर को आप क्लीन कर सकते हो, जो कि डैम्प बोले जाते हैं, तो डैम्प को आप क्लीन कर सकते हो कोई क्लीनर से, ताकि यहाँ का जो पिन की कनेक्शन है जो सही ढंग से एससीएल और एचडीएल मिले, और नहीं तो यहाँ पर कोई कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है या हमारी पैनल भी शॉर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट कहीं से भी हो सकता है। तो ये जो फिफ्थ टाइम है ना, ये आईडी है, ये आईडी के लिए हम लोग यूज करते हैं कि फिफ्थ टाइम मतलब आईडी, जैसे कि कोई भी सोनी की पैनल अगर क्रैक हो जाए, तो क्रैक होने के बाद हम लोग उसकी पुरानी वाली सोर्स पीसीबी लगाते हैं ताकि इसको आईडी मिले। तो दोस्तों ये सब हम अपने ट्रेनिंग में डिटेल्स बताता हूँ, फुल प्रैक्टिकल हमारी ट्रेनिंग में जितनी फोल्ड है पैनल की, जितनी प्रॉब्लम हो वो मैं खुद करके दिखाता हूँ, और प्लस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराता हूँ, यानी हर विषय पे हमारी ट्रेनिंग में थ्योरी और प्रैक्टिकल होती है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें और इसको देख लें वोल्टेज आखिर कहाँ कहाँ आ रही है। हम लोग इसको देख लें कि ये कहीं कोई इसको छेड़ा है कि नहीं, यानी ये क्लियर है कि नहीं कहीं से, या कोई इसको हाथ टच किया कि नहीं, पहले इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपको काम करने में बहुत सहूलियत हो, ताकि तकलीफ ना हो कोई छेड़छाड़। तो इसमें मैंने देख रहा हूँ कि ये कोई अनटच नहीं है, यानी कोई टच भी नहीं किया है, कोई अनटच भी नहीं है, यानी ये पूरी पूरी एकदम साफ़ सुथरी है, यानी इसको पैनल से कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ये एकदम क्लीन है, कहीं पर भी शोल्डर नहीं दिख रहा है। आपको बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई कर लेना होगा, ताकि कोई पार्ट कोई दूसरी जगह से रिटर्न आई होती है तो कोई पार्ट या कोई कंपोनेंट मिस होती है, मिस होने की वजह से हो सकता है कि आप उसको फॉल्ट फाइंडिंग तो कर दोगे, लेकिन उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये सब आपको चेक करके आगे बढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़े, देख रहे हैं दोस्तों ये हर कंपोनेंट जो है आपको, मतलब ये कम से कम कैपेसिटर को कम से कम आपको चेक करना होगा, ताकि ये कहीं पर कोई शॉर्ट तो नहीं है, ये सब कैपेसिटर को आपको अच्छी तरह से वेरीफाई करके आपको देख लेना होगा कि इसमें, देखिए ये हमको कुछ शॉर्ट दिखाई दे रहा, देखिए ये जो कैपेसिटर है ये हमको कुछ बजर जो है ना, हमारी बजर जो है बज रही है, यानी ये हमारी डीसी टू डीसी, यहाँ पर देखो, यहाँ ये एवीडीडी की साइड कैपेसिटर है, जो कि ये हमको कुछ शॉर्ट दिख रही है। तो हम लोग आए इसको रिमूव करके हम लोग देखें कि आखिर ये शॉर्ट है कि नहीं। तो पहले ब्लोअर लगाओ, तो रिमूव करेंगे यहाँ, ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, दोनों कैपेसिटर को हम लोग रिमूव कर देंगे, ताकि एक फ्यूचर में फिर ना हो प्रॉब्लम। देखिए एक हमने निकाल दिया और एक यहाँ, ये लगाने के लिए कोई आप स्क्रैप से कुछ पैनल की सोर्स पीसीबी होती है वहाँ से आप ले सकते हो, इसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पर चाहो तो 1 MFD भी आप यूज कर सकते हो, हमारी बड़ी वाली जो होती है ना MFD, ओ ये तो सिरामिक फिल्टर है, यानी इसको हम लोग PF भी बोलते हैं, हालांकि कैपेसिटर भी यहाँ पर PF का जगह तो नहीं है, इसीलिए SMD उसने कैपेसिटर लगाया, हर कंपनी वही करता है। तो हम लोग यहाँ ये दोनों को हमने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव करके हम यहाँ पर कोई दूसरी जो है ना उसको लगाएंगे, लेकिन हम लोग लगाने से पहले हम लोग एक बार लाइन देकर देख लें कि ये आखिर हमारी शॉर्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं, ये LBDS केबल जो है ना ये साफ़ सुथरी है कि नहीं, इसको आपको देख लेना होगा, आपके इधर की और उधर की, यानी बोर्ड में भी लगने वाली और पैनल भी लगने वाली, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी मॉइस्चराइजर जम जाती है, जो कि आप इसको क्लीन करोगे कुछ क्लीनर से तो ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट भी होती है। ये अगर पिक्चर नहीं आती, अगर सोनी लिखा हुआ आकर फिफ्थ टाइम में जाती, तब इसको हम लोग मानते कि यहाँ पर कुछ सल्फर वल्फर जमी हुई हो, लेकिन ये कोई पिक्चर ही नहीं है, यानी जो डीसी टू डीसी आईसी है वहाँ पर शॉर्ट दिखी, ये शॉर्ट दिखी AVDD, यानी मेन जो वोल्टेज है ना वो वाली हमारी,
देखिए दोस्तों, हमने इस पीएफ को रिमूव कर दिया, यानी आप बोल सकते हो कैपेसिटर बोल सकते हो आप। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना ज़रूरी है दोस्तों। आप इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ ना दोगे। आप लोग बहुत सारे बोलते हो कि मैंने पीएफ निकाल के फेंक दिया, लेकिन पीएफ की एक अपनी वैल्यू होती है, अपनी काम होती है। आप उसका अच्छा नतीजा चाहते हो तो इसको आप दोबारा कहीं से भी एक स्क्रैप से भी लेकर यहाँ लगाओ। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 mmFD यूज भी कर सकते हो। 1 mmFD आपको 35 वोल्ट या 63 वोल्ट जो छोटी वाली हमारी आती है। तो हम लोग देख लें एक बार, यहाँ पर दिखाओ रेड पर। तो देखें, हमने यहाँ पर ऑन किया, ऑन करने के बाद हम दे रहा हूँ, ये हमारी रेड लाइट जल रही है। रेड लाइट जलने के बाद रेड लाइट ऑफ हुई, यानी ये दो बार ऑन करना पड़ता है पावर बटन। यहाँ पर देख सकते हो आप, हरी लाइट जल रही है। और यहाँ पर देखो सोनी लिखा भी आ गया, यहाँ पर दिखाइए आप देख सकते हो। एक बार और मैं दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं ये वीडियो कोई मिक्सिंग नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट ही आपको पेश करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हो कि ये सोनी लिखा हुआ आ गया, और हम लोग इसमें केबिल लगा कर देख ले थोड़ी कैसी पिक्चर आ रही है। दोस्तों ये हमारी पिक्चर देखिए आ गई, ये फिफ्थ मतलब 5 टाइम से, 5th टाइम ब्लिंकिंग से ये रिलीज हो गई। आप उसको 5 टाइम बोलो तो ये 5 टाइम मतलब ID, तो ID ये SCL HDL से भी होता है दोस्तों, और DC to DC IC में कोई हाई वोल्टेज की बूस्ट कैपेसिटर या पैनल शॉर्ट होने की वजह से होता है। ये हम ट्रेनिंग में अपना डिटेल्स देता हूँ कि कैसे समझेंगे कि ये पैनल शॉर्ट है, या भीतर इसकी पैनल में क्या बनावट है, कैसी बनी है, RGB कैसी होती है, और ये क्या क्या कैसे ABDD VCOM VDD ये कैसे वर्क करता है, वो टोटल मैं अपने पैनल में फुल 5 दिन की ट्रेनिंग में मैं देता हूँ। और ये हमारी मुंबई में जो 4 दिन की ट्रेनिंग है उसमें भी ये दिया जाएगा और फुल प्रैक्टिकल दिया जाएगा। तो दोस्तों बाय, अगले सेमिनार के लिए मुंबई में आपसे मुलाकात होगी।